Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. Before starting this video, do subscribe to my channel. Just press that red icon. Subscribe. वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज का जो टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है, हेयर ग्रोथ के बारे में और हेयर फॉल के बारे में. हेयर केयर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसको फॉलो करके आप अपनी हेयर फॉल रोक सकते. टिप नंबर वन, हेयर मास्क. हेयर मास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हेयर मास्क को कैसे बनाए तो वो आप नोट कर लें. सबसे पहले आपने लेना है 5 टेबल स्पून योगर्ट. योगर्ट मतलब दही. आपके पास जो भी दही अवेलेबल है आप उसको यूज कर सकते हैं. उसमें आपने डालने हैं 2 विटामिन ई के कैप्सूल. आपको वो कहीं से भी अवेलेबल है, आपको वो कहीं से भी मिल जाएंगे. मैं आपको प्रेफर करूंगी ग्रीन वाले यूज करें. उसके बाद आपने उसमें डालना है 1 टेबल स्पून शहद का. अगर तो शायद अवेलेबल है तो डाल लें, अगर नहीं अवेलेबल तो कोई मसला नहीं है. इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स करना है और आपको अपने बालों पे लगाना है. और 4 से 5 घंटे तक आप इसको अपने बालों में छोड़ चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं और सुबह आप इसको आराम से धो सकते हैं. टिप नंबर 2, एक्सटर्नल केयर के साथ साथ आपको इंटरनल केयर भी उतनी ही जरूरी है. मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप बाजार से मिले हुए हेयर कैप्सूल्स खाएं, बिल्कुल ना खाएं. उससे सिर्फ आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती, आपके जो बॉडी हेयर होते हैं वो भी उससे ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, तो वो इसलिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है. तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव लाई हूं आपके लिए. वो ये है कि आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है ओमेगा 3 फैटी एसिड. वो आपको किस चीज में मिलेंगे? तो वो आपको मिलेंगे बादामों में. अब उसको खाने का तरीका ये है कि आपने लेने हैं 7 बादाम और उसको आपने रात को खाना है. सोने से पहले आपको उसको खा के सोना है. टिप नंबर 3, आपके बाल गिरते इसलिए हैं क्योंकि आपके बालों में हो जाते हैं स्प्लिट एंड्स. जैसे ही स्प्लिट एंड आपके बालों में आता है तो आपका बाल गिर जाता है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रिम योर हेयर. अपने बालों को ट्रिम करते रहा करें. याद रखें, हर 2 महीने बाद आपको अपने बालों को नीचे से आधा आधा इंच ट्रिम जरूर करना है. उससे आपका 70% हेयर फॉल वैसे ही रुक जाए. टिप नंबर 4, ये एक चाइनीज एक्सरसाइज है जो बालों के लिए चाइनीज करते हैं. और वो ये है कि हाथ लेने इस तरह से और आपने अपने नाखूनों को यूं यूं करना है. ये एक आयुर्वेदा एक्सरसाइज जो चाइनीज लोग बहुत करते हैं, बहुत कॉमन है ये चाइना में. इस तरह आपको करना है और दिन में आपको 5 से 6 बार करना है. 5-5 मिनट के लिए आपको यूं करना है. इससे आपका हेयर फॉल 110% रुक जाएगा. टिप नंबर 5, सही शैम्पूज यूज करें, सही कंडीशनर यूज करें. अगर आप कंडीशनर बहुत ज्यादा यूज करें तो इतना नहीं करें. कंडीशनर सिर्फ हफ्ते में एक दफा यूज करें, वो भी अगर आपको जरूरत है तो. शैम्पू हमेशा माइल्ड यूज करें, हार्श शैम्पू यूज मत करें जिसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं, वो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएंगे. टिप नंबर 6, सईद गनी का हेयर ग्रोथ वाटर यूज करें. मैं उस पर अपने चैनल पे जो है बना चुकी हूँ एक वीडियो, आके चेक कर सकते हैं. बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सईद गनी हेयर ग्रोथ वाटर, ये वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी है, आप जाके वो देख भी सकते हैं. उसको आपने अपने बालों में रेगुलरली यूज करना है. उसको लगाने का यही तरीका है कि आपने अपने बालों में स्प्रे किया और उसके बाद 2 से 3 घंटे के बाद आपने उसको शावर कर लिया. धूप आपकी स्किन के लिए बहुत बुरी होती है, इसी तरह आपके बालों के लिए भी उतनी ही बुरी होती है और उससे आपका हेयर फॉल होता है. तो कोशिश करें, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपना सर कवर करके जाएं, धूप में निकलने से अवॉइड करें. अगर आप निकल भी रहे हैं तो यूवी स्प्रे जरूर यूज करें, आपको वो कहीं से भी मिल जाएगा. वो आपके बालों को सन से प्रोटेक्ट करता है. आपको लेने हैं मेथी दाने. आधा ग्लास आपने लेना है मेथी दाने का. मेथी दाने को आपको ऐड करना है अपने ऑयल में. अब आप कोई सा भी ऑयल यूज करें, सरसों का कर रहे हैं, कोकोनट ऑयल करें, ऑलिव ऑयल करें, कोई सा भी किसी कंपनी का ऑयल यूज करें, आपको वो आधा कप मेथी दाने को ऐड करना है अपने ऑयल में. उस ऑयल में ऐड करने के बाद उसको 1 हफ्ता आप छोड़ दें. अगर आप उसको धूप में रख रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर धूप में नहीं भी रख रहे हैं तो कोई मसले की बात नहीं है. आपने 7 दिन तक उसी मेथी दाने वाले ऑयल को छोड़ देना है और 8वें दिन उसको आपने अपने बालों में लगाना. इससे आपका बाल बहुत ज्यादा मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा और वो गिरेगा बिल्कुल भी नहीं. आपने लेना है 1 अंडा. उस अंडे को फेंटने के बाद आपने उसमें डालना है 3 टेबल स्पून मेयोनीज के. जो नॉर्मल मेयोनीज होती है, सिर्फ सिंपल वाला मेयोनीज, चिकन वाला बिल्कुल मत डालिएगा, सिर्फ नॉर्मल जो व्हाइट प्लेन मेयोनीज, अच्छी तरीके से मिक्स करना है और वो अपने बालों में लगाना है. शावर लेने से 1 घंटे पहले आपने उसको लगाना है और 1 घंटे बाद आपको अपने बाल धो लेने हैं. इससे आपका बाल बहुत ज्यादा शाइनी और सिल्की होगा. ये आपको सिर्फ हर 15 दिन में 1 दफा करना है. ये बाल जो है गिरते तब है जब आपके बालों में खून का जो दौरान होता है वो पहुंच नहीं रहा होता, तो इस वजह से आपके बाल, आपका स्कैल्प कमजोर हो जाता है, आपके बाल उससे गिरना शुरू हो जाते हैं. आपको लेना है ऑलिव ऑयल, जैतून का जो ऑयल होता है. अपनी उंगलियों को उसमें सिर्फ डिप करना है, कोई तेल नहीं लगाना, सिर्फ आपको मसाज करना है. उसके लिए सिर्फ आपने अपनी उंगलियों को ऑलिव ऑयल में डिप करना है और आपको सर्कुलर मोशन में पूरे बालों में मसाज करना है. तो उससे आपका खून जो है पूरे बालों में सर्कुलेट करेगा और आपका स्कैल्प बहुत ज्यादा हेल्दी होगा. आई होप गाइज आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी. अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में पूछ लें. ये है मेरा इंस्टाग्राम चैनल, मुझे यहाँ जाके फॉलो करें और कोई भी सवाल आते हैं मुझसे जरूर पूछ लिया करें. मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.